Good morning, students. You are most welcome in Best Science classes. Today, here we are going to discuss about sexual reproduction in organism. That is the topic of chapter 1st, 12th class biology. यहाँ पे बात करेंगे हम sexual reproduction की. Sexual and ऑर्गेनिजम्स. इससे पहले हमने बात करी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट्स आर 100% आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड दीज आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज क्लोन्स बट हियर नो एनी काइंड ऑफ क्लोन इज फॉर्म्ड. यहाँ पे क्लोन नहीं फॉर्म करते हैं. द बेसिक फिनोमेना दैट इन्वॉल्व for the formation of gametes is for the formation of new offspring is gamete formation. Here two different types are formed in sexual reproduction. बेटा ये दो different type के gametes होते हैं. They are either from the same parents, either from by the same parent like in earthworm, either formed by the same parent. एग्जाम्पल के लिए अर्थवर्म और बाय द डिफरेंट पेरेंट्स और बाय द डिफरेंट पेरेंट. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं. मैंगो ट्री ह्यूमन ह्यूमन कोई भी हायर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. अब बेटा क्या करते हैं यहाँ पे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर नो एनी काइंड ऑफ क्लोन्स आर फॉर्म. यहाँ पे क्लोन नहीं बनते बेटा. क्यों नहीं बनते हैं? बिकॉज ऑफ व्हेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेट स्टार्ट देन व्हाट हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट्स आर टेक्स प्लेस व्हेन अ पेरेंट स्टार्ट टू प्रोड्यूस गैमीट. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमिटोजेनेसिस एंड दिस गैमिटोजेनेसिस इन्वॉल्व अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. और जो बेटा क्रॉसिंग ओवर होती है इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? अज्यूम दिस इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पेरेंट. ब्लू ब्लैक हमने लिया है. क्रॉसिंग ओवर के टाइम क्या होता है? क्रोमोसोम अपने कुछ पार्ट का आपस में इंटरचेंज कर लेता है और इससे क्या होता है बेटा, इससे कुछ नए कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. व्हाट इज कॉल्ड? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से, फॉर दैट रिकॉम्बिनेशन, जो गैमीट्स बनते हैं दे डोंट हैव द सेम जेनेटिक मटेरियल एज देयर पेरेंट्स हैव. अब जब ये जो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स, एक को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमीट और दूसरे को हम बोलते हैं फीमेल गैमीट. जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन होगा देन दे फॉर्म जाइगोट. क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे. एंड जाइगोट अल्टीमेटली डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑर्गेनिज्म.
दिस इज़ द बेसिक फिनोमेना क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. विच इज़ द बेसिक फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड दिस गैमीट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. तो बेटा वो क्रॉसिंग ओवर होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जब गैमिट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो पेरेंट्स के अंदर गैमिट फॉर्मिंग सेल्स में लाइक ओवेरीज इन द फीमेल्स इन द केस ऑफ ह्यूमन फीमेल एंड टेस्ट इन द ह्यूमन मेल के केस में क्रॉसिंग ओवर होता है गैमिट फॉर्मिंग सेल्स के अंदर, जिससे जो गैमिट बनते हैं उनके अंदर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन करके आता है. और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनने की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन नहीं बनते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं. ओके दैट्स ऑल. नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जुवेनाइल फेज डिस्कस करेंगे.